तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जगदीश वारके। आज की वीडियो में हम आपको जो बीम रहती है, ट्रस्ट बोलते हैं या बीम बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, यह कितने भी फिट की हो सकती है। आप चाहे 2 फिट का लें या 10 फिट का लें या 15 फिट का लें, वो मायने नहीं रखता, कितने भी फिट की हो सकती है। उस पर किस तरीके से आपको कपड़ा लगाना है वो हमको दिखाएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से लगाना है। अगर बीम छोटी रहती है या बड़ी रहती है, सेम प्रोसेस रहती है कपड़ा लगाने की। किसी भी कलर का कपड़ा आप लगा सकते हैं, जिस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है या आपकी जो स्टेज का कलर है, जिस तरीके का आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाएंगे हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। अगर बड़ा कपड़ा रहता है तो आपको उसको अंदर फोल्ड करना है, छोटा रहता है या साइज का रहता है तो वो सभी इस वीडियो में बताएंगे। किस तरीके से टाइट कसना है दोनों साइड से, जो भी अगर नहीं जानता है वो भी इजीली इस तरीके से कस सकता है। तो सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, मतलब वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो बाद में कमेंट करते हैं कि किस तरीके से कसा गया है सर, या किस तरीके से किया गया है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सो लेट्स गो। अब आपको हम देख सकते हैं दोस्तों, सामने बीम रखी हुई है, इन्हें कुछ इस तरीके से आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस तरीके से करेंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं, देखिए इसे को यहाँ इसके सपोर्ट में बाजू में बिल्कुल साइड से रख लिया है, उसके बाद इसे सपोर्ट करेंगे। किस तरीके से कसते हैं आप देखिए, इस साइड से कस लिया जाता है। अगर आप अच्छी तरह से खींच के कसना है दोस्तों इसको, अभी दूसरी साइड और कसा जाएगा। इस साइड कस जाने के बाद दूसरी साइड कसेंगे। आपको अच्छी तरह से खींच कर कसना है कि गैप ना रहे बीच में। अगर आप ख़राब कपड़े का प्रयोग करते हैं तो ख़राब कपड़ा टूट भी सकता है। तो आप चाहें तो लाइलॉन का रस्सी या जो डेकोरेशन का ख़राब कपड़ा उसका प्रयोग कर सकते हैं कसने के लिए। हमने इस साइड से कस दिया, उसके बाद दूसरी साइड कसेंगे। चाहे तो नीचे भी कस सकते हैं आप, अगर स्ट्रक्चर हैवी रहता तो आप नीचे भी कस दीजिए। एक बार आप उठा कर देख लीजिए कि कहीं हिल रहा हो स्ट्रक्चर, तो आप चाहें तो नीचे भी कस सकते हैं, नहीं तो 3 रस्सी में भी हो सकता है आपका ये। अब देखिए हम दूसरी तरफ भी इसे कसेंगे। कितने भी फिट का स्ट्रक्चर हो सकता है, अगर अब हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं या 4x8 का है, 4x6 का है, जितने भी फिट का हो आपको सेम प्रोसेस रखना है। इसी तरीके से आपको कसते जाना है। एक बार दो बार आप करेंगे तो आपको इजीली इस तरीके से काम करना है आने लगेगा। किस तरीके से आप कसेंगे, किस तरीके से आपको काम करना है, कितने की बीम है, कितने फिट का है। ज़्यादातर 15 फिट तक बीम रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही फिट तक ज़्यादा बनवाते हैं लोग। बीम की साइज़ अलग अलग हो सकती है, कितने भी फिट का बीम का प्रयोग करते हैं हम कसने के लिए। देखिए यही प्रोसेस रहता है कसने का, किस तरीके से इसे कसा जा रहा है वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कसना है ईजिली। कोई भी अगर जो पहली बार भी काम कर रहा है वो कर सकता है इसी तरीके से। कसने के बाद यह स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। आपको इसको थोड़ा ऊंचा करने के लिए एक कुर्सी के सहारे ऊपर रख देना है और उसके बाद आपको इस पर कपड़ा लगाना है। स्ट्रक्चर देखिए कस कर तैयार है दोस्तों। इसके बाद हम इस पर कपड़ा किस तरीके से लगाएंगे वो आपको बता देते हैं। देखिए अब हम आपको इस पर कपड़ा लगा कर दिखाने वाले हैं दोस्तों। पहले आपको इसके जो साइज़ का कपड़ा रहेगा दोस्तों उसको लेके आना है। अगर बड़ी साइज़ का कपड़ा भी है तो वो भी चलेगा, अंदर उसे फोल्ड कर दिया जाता है। देखिए अभी पहले कपड़ा इस साइड डाल दिया गया है, उसको अभी कस के दिखाएंगे आपको, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जो कपड़ा है पूरा उसको इस तरीके से खींचिए। एक गठान मारने के बाद नीचे से दूसरा गठान, आपका जो बीम है उसके सहारे दूसरा बीम के सहारे दूसरा गठान कस देना है। अब देखिए इस साइड से कपड़ा लग चुका है, ईजिली कसा जा सकता है कपड़े को। अगर सिंगल बीम का जो है अभी दूसरा वीडियो क्लिप में दिखाएंगे, ये जॉइंट वाला बीम है उसमें किस तरीके से लगता है। देखिए सर, इस तरीके से खींचने के बाद दूसरी साइड खींच लिया जाता है उसे। अभी देखिए इस साइड आपको दिखा देते हैं फिर से किस तरीके से खींच लिया जाता है। आपको टाइट खींचते जाना है, उसके बाद दूसरी साइड खींच कर ले जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से कपड़ा जो कि कस चुका, उसके बाद इसमें तार के सहारे कस दिया जाता है। जहाँ से भी कपड़ा अगर खुला रहता है या ढीला रहता है तो कस लिया जाता है। अभी इस साइड देखिए दोनों लगभग कंप्लीट है कपड़ा कसकर। अब इस साइड नीचे किस तरीके से कसते हैं एक बार और दिखा देते हैं आपको। इस साइड का बीम को ऊपर करना है आपको। देखिए नीचे एक गठान मारना है आपको, उसके बाद ऊपर एक गठान मारना है। देखिए इसके बाद ये जो बीम का पाइप है उसके सहारे एक दूसरा गठान लग जाएगा दोस्तों। आपको अच्छी तरह से कसना है कि खुले नहीं गठान, कपड़ा ढीला ना रहे, इसके लिए आपको अच्छी तरह से गठान मारना है। इसमें आप देख सकते हैं कसा चुका है लगभग आपका कपड़ा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस सभी जगह रहता है कपड़ा कसने का।
देख लीजिए कस चुका है कपड़ा। आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह की इसमें गठान लगी हुई है। जो पहला गठान ये आप देख सकते हैं, यह दूसरी गठान लगा दी गई है कपड़े में। देख लीजिए दोस्तों, गठान लगाकर दोनों साइड से अच्छी तरह से कस दिया गया है। कपड़ा देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से लग चुका है इसके ऊपर। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई काम सीखना है, हम आपके यहाँ आ सकते हैं काम करने के लिए, तो इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। और सिंगल बीम पर अगर चाहते हैं कि और डीपली मैं समझाऊँ कि किस तरीके से काम किया जाता है, तो उस लिए के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे से डीपली समझाऊंगा और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल बीम पर लगाऊंगा कपड़ा, लेकिन मैंने आपको फुल डिटेल में बताया दोस्तों। तो और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।